हजरत सईद शहाब उर्फ तुराबुल हक उर्फ तुरत पीर बाबा यांच्या पावन स्पर्शाने पवित्र झालेला दर्गा रोड परिसर या दर्गा परिसरात विविध प्रभागात अनेक जाती धर्माचे लोक आनंदाने राहतात। पण याच दर्गा रोड परिसरात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी यांचा उदासीन धोरणामुळे हा भाग विकासापासून कोसो दूर आहे। येथील नागरिकांना रस्ते, नाली, वीज, पाणी अशा मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याची प्रतिक्रिया नागरिक देत आहेत। पावसाळ्यात तर चिखलच चिखल, तर नागरिक मूलभूत सुख सुविधा मिळवण्याच्या प्रतीक्षेत स्थानिक मनपा सदस्यांनी जातीने लक्ष देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे। मागील काही दिवसापासून दर्गा रोड परिसर विविध घडामोडींनी चांगलाच चर्चेला आला आहे। या भागात काही युवकांमध्ये सतत मारहाणीच्या घटना घडत आहेत, त्यामुळे हा भाग दहशतीखाली आहे। तर या भागात पोलीस चौकी उभारण्यात यावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे। दर्गा रोड परिसरात काही गटातील नागरिक असा आरोप करत आहेत की येथे चरस, गांजा, अवैध दारू विक्री, जमीन हडपण्याचे प्रकार नशाखोरी, गँगवार पैसे कमवण्याच्या उद्देशाने करत आहेत। त्यामुळे दर्गा रोड भागात अशा घटना घडत आहेत, त्यामुळे हा भाग आता बदनामीच्या उंबरवठ्यावर येऊन ठेपला आहे। पण याच भागात राहत असलेल्या सुशिक्षित वर्ग, त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे समाजसेवक, युवा नेते मशू खान यांनी या सर्व घटनांचे खंडन केले आहे। तुरत पीर बाबाचा हा दर्गा रोड परिसर सर्वोच्च जाती धर्माला सोबत घेऊन चालणार आहे। चरस, गांजा, दारू, जुगार, जमीन हडपण्याचे प्रकार असे इथे होत नाहीत। विनाकारण बदनामी करण्याचा हा पॉलिटिकल स्टंट असल्याचे सांगत आहेत। स्थानिक लोकप्रतिनिधी विकास करण्यात यशस्वी झाले नाही, नागरिकांना सुविधा देण्यात कमी पडले, विकास करण्यात प्राथमिकता दिली नाही। आता मनपाच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत म्हणून तरुणांचे मने विचलित करून आपली राजकारणाची पोळी भाजून घेण्याचा हा प्रकार आहे, असं सामाजिक कार्यकर्ते मशू खान यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितले आहे। मशू खान यांच्या सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून या भागातील जनतेला 24 तास मदत केल्या जाईल व राजकारण हा वेगळा प्रकार, तर खरी समाजसेवा करून या भागातील जनतेला विकास काय असतो, खरी समाजसेवा काय असते हे या भागातील नागरिकांना दाखवल्या शिवाय राहणार नाही, असं सुद्धा मशू खान सांगत आहेत। प्रभाग में कुछ डेवलपमेंट हुई क्या, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आप खुद चल के देखिए दरगाह रोड के प्रभाग का मंजारा के जो हालात है, बद से बदतर हो चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हम इंडिया में कोई अफ्रीकन कंट्री में रह रहे हैं। इस तरह के वहाँ ना रोड की रोड है, ना नाली है, ना कोई किसी तरह की कोई बेहतर सुविधा नहीं है, ना इलेक्ट्रिसिटी के पोल है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। लोगों को काफ़ी तकलीफ और परेशानियों से गुजर रहे हैं वहाँ पे, और डेवलपमेंट का तो कोई नामो निशान दूर दूर तक नहीं है। और यही नाकामी को छुपाने के लिए, ये नाकामी जो है, नाकाम जो हो चुके हैं ये नगर सेवक, इसको छुपाने के लिए, छुपाएं किस तरह से, तो इस तरह के आरोप लगाते हुए नौजवानों पे, इस आरोप लगाकर जो दिशा भूल कर रहे हैं लोगों की, जहनों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की। तो काम वार्ड में कुछ हुआ नहीं, 4 साल से ये बिल्कुल गायब थे, ये कहाँ थे, किन मामलों में थे, ये पूरा शहर भी जानता है। तो उन चीज़ों को भटकाने के लिए, अब जैसा कि मैं खुद अब सोशल वर्क जितना हो सके हम करने की कोशिश करते, लोगों के बेहतरी के लिए काम करते जितना भी हो सके, दूसरे भी कई नौजवान, तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ये इनसे तो काम हो रहा नहीं, और जो हम कर रहे तो इनको वो देखे जा रहा नहीं। तो इसलिए चीज़ें भटकाने के लिए, और किस तरह से परेशान किया जाएगी, इनका कहना है कि हम तो करेंगे नहीं और ना तुम कर देंगे कुछ काम बेहतर, लोगों की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए। अब रोड़ा नालियाँ तो हम बना सकते नहीं, कॉरपोरेटर तो हम आए नहीं, दूसरा कोई है नहीं। कॉरपोरेटर का काम है कि फंड्स लाना, वहाँ पे वर्क करना वार्ड में, वो तो कुछ इनसे हो रहा नहीं। और आए दिन इनके कुछ ना कुछ मसले मसाइल सिर चालू है, कुछ ना कुछ झगड़ा। जिस वक्त से ये दरगाह रोड में कॉरपोरेशन में जो चुन के आए, तो जब से दरगाह रोड का इलेक्शन ही ख़त्म नहीं हुआ। क्या लगता है, पॉलिटिकल स्टंट है क्या ये? बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टंट है। नहीं, अब ये जो मसला है तो पूरे लोगों ने देखे, लेकिन ये लोगों को बदनाम करना, इन्होंने नहीं चाहिए लोगों को बदनाम करना, दरगाह रोड को बदनाम करना है। अब हर इलाके में हर तरह के लोग रहते हैं,
पूरा वेल एजुकेटेड एरिया है दरगाह रोड, अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन अब आए दिन जो हालात जो बन रहे, आप एक बात बताइए, क्या आप पत्रकार है? मैं समझता हूँ कि पत्रकार जो है तो सबसे ज़्यादा जो लोगों के या गरीबों के या जो परेशान लोगों के मुद्दे उठाते, तो आपके ऊपर कितने बार हमला हुआ पत्रकार साहब, आपसे पूछूंगा मैं, कितने बार आपको लोगों ने मारे इस तरह से कि वो कह रहे हैं कि वो ऐसे सोशल जो मुद्दे उठा रहे तो उस वजह से उनके ऊपर हमले हो रहे, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। आप अगर हक की बात करेंगे, हक पे रहेंगे, तो आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता हूँ। हाँ, अगर बिला वजह मैं आपको आगे बोलूँगा कि तुम चरस बेच रहे, गांजा बेच रहे, ये बेच रहे, वो बेच रहे, तो फिर आपको बुरा दिखेंगे, आप बोलेंगे मैं जो चीज़ कर रहा नहीं, तो फिर ये इंसान ऐसे क्यों बोल रहा। तो उस बुनियाद पर इन्होंने ये हरकतों से बाज आ जाना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, प्रभाव में काम करना चाहिए, लोग परेशान हैं। चलिए लॉकडाउन के वक्त भी ये कहाँ थे, मैं इनको पूछता हूँ, वर्क कुछवा नहीं हुआ वार्ड में, लोग परेशान थे, नौजवान दरगाह रोड की किट बांटे वहाँ पे, हर तरह से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे जितनी भी हो सकती है उतनी। अभी आप सोशल वर्क कर रहे हैं, दरगाह रोड पे काम करते हैं, तो क्या ये इलाके के लोगों को, नौजवानों को खासतौर पर आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं नौजवानों से यही गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले तो बुरी आदतों से, बुरी लतों से बचे, बुरे सोबतों से बचे, और इस तरह के जो लोग हैं उनसे थोड़ा एहतियात कीजिए। ये तो इनको आने वाले इलेक्शन में तो लोग बिल्कुल मुँह तोड़ जवाब देने वाले, क्यों तो ये जो मखसूस जो एक नगर सेवक है इनको खुसूसन, ये तो काम कुछ हुआ नहीं, ज़ीरो, और लोगों की जो जहनी तकलीफ जो दरगाह रोड पे हो चुकी है, कि जाहिर सी बात है कि मसला होता है एक शख्स का किसी का महल्ले में, लेकिन जो वातावरण जो गर्मा जाता तो हर तरह के लोग फैमिली परेशान हो जाती है। अब ये लोगों का तो कैसा है कि ये लोगों का आदत है, ये तो इनके ऊपर बहुत सारे केसेस है नगर सेवक साहब के, नगर सेवक साहब जो भी है वो खुद मुँह से बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत केसेस हैं, तो उनके ऊपर बहुत केसेस हैं, और वो जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो एक क्लिप वायरल हुई है कि वो जनाब बोल रहे कि दरगाह रोड पे चरस गांजे का जो कारोबार चल रहा है, और जो लैंड माफिया तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़मीनें हड़पी जा रही है, तो मैं पुलिस प्रशासन से कहूँगा, और जो आरोप लगा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि दरगाह रोड पे ऐसी चीज़ें हो रही है, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप जाइए पुलिस प्रशासन में, और कहाँ पे हो रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ पे चल रहा है, उनको रंगे हाथों वहाँ पे पकड़वाइए। ऐसी हवा में किसी पे भी आरोप लगाना ये ठीक बात नहीं है, तो आप जाइए, हम खुद पुलिस प्रशासन के साथ है हर तरह से, जहाँ पे भी जो शख्स भी ऐसे गलत कारोबार कर रहा है हम खुद उनको पकड़वाएंगे।